अब बकरा ईद पे जब आप रेसिपियां खाएंगे, गोश्त खाएंगे, थोड़ा सा आपको कब्ज हो जाएगी। मैं आज आपको एक चूरन की रेसिपी देने लगा तो आपका मैदा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शामिल कर देंगे, ठीक हो गया, ग्राइंड कर देंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पे निकाल लेंगे अपने सुबह नाश्ते के बाद। आप देखेंगे आपका मैदा किस तरीके से साफ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद को लेकर के रेसिपियों का सिलसिला जारी है। अब बकरा ईद पे जब आप रेसिपियां खाएंगे गोश्त बादी होता है, गोश्त बादी होने के साथ साथ आपको कब्ज हो जाएगी। उसके लिए मैं आज आपको एक चूरन की रेसिपी देने लगा हूं, एक फक्की देने लगा हूं, जो आप हाफ टी स्पून सुबह को और हाफ टी स्पून शाम को लेंगे तो आपका मैदा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो फक्की या चूरन किस तरीके से तैयार होता है तवज्जो से देखिएगा। घर में मौजूद चीजों से हम चूरन या फक्की तैयार करेंगे, जिसके अंदर जीरा, सौंफ, अजवाइन, खुश्क मेथी, मीठा सोडा, काला नमक होगा, ठीक हो गया। मैं खुद भी ये यूज करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से मेरा मैदा साफ रहता है। मैदा जो होता है यहां से आपकी ये बीमारियों का असल में घर ही है। यहां से 95% जो बीमारियां हैं वो मैदे से शुरू होती हैं। अगर आपका मैदा क्लीन होगा, साफ होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये मेरे पास सफेद जीरा है, ये 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास सौंफ है, 1 टेबल स्पून भर के सौंफ शामिल करेंगे। ये मेरे पास अजवाइन है, 1 टेबल स्पून भर के अजवाइन शामिल करेंगे। आसान तरीके से बताने लगा हूं। ये मेरे पास खुश्क मेथी है, कसूरी मेथी जिसे कहा जाता है, ये 1 टेबल स्पून भर के ये शामिल करेंगे। अब ये टेबल स्पून रख देंगे, अब टी स्पून का काम आ गया। ये मेरे पास मीठा सोडा है, ये 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे मीठा सोडा, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। ये मेरे पास काला नमक है, 1/2 टीस्पून काला नमक शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। ये मैंने खुद भी आजमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैदा मेरा बिल्कुल साफ रहा। हम लोग असल में करते क्या हैं, कुछ लोग चीजें ऐसी होती हैं जो हजम होने वाले, मेरे मुंह की तरफ करना क्या है, मेरे हजम होने वाली होती हैं। हम सुबह को चाय और पापी और बिस्किट ले लेते हैं, शाम को जब सूरज गरूब हो जाता है जब हम कढ़ाइयां गोश्त ये खा रहे होते हैं। लेकिन तरीका असल ये है कि आप सुबह में नाश्ता अच्छा करें, दोपहर में गोश्त वगैरह खाएं, शाम को आप कम से कम खा के सोएंगे तो आप मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे, आपका मैदा साफ रहेगा, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने फाइन पाउडर बना लिया। मैं वो चीजें आप तक पहुंचाता हूं जो मैं खुद आजमाता हूं, और जो तरीका मैं खुद पहले आजमाता हूं, जो काम मैं करता हूं वो आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके और दूसरा काम आपने ये करना है, मैं आपको इसको डिश आउट करने से पहले बता दूं चूरन को। दूसरा काम आपने ये करना है, कोशिश ये करनी है कि खाना खाने से पहले आपने पानी पी लेना है, ठीक हो गया, ताकि आपकी तमाम जो मशीनरी है वो क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, फिर खाना खाएं। खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पियेंगे, कोशिश हो अगर जरूरत पेश आए एक दो घूट आप ले लें, बस इससे ज्यादा ना लें। इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आपने सुबह नाश्ते के बाद 1/2 टीस्पून पानी के साथ, ये टीस्पून है छोटा, और शाम को खाने के बाद 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। आपने शाम का खाना बहुत कम खाना है, आप देखेंगे आपका मैदा किस तरीके से साफ रहेगा। अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल करते रहें इसी फार्मूले से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये खराब नहीं होगी, 2 साल 3 साल ये खराब नहीं होगी, ठीक हो गया। आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपको दी ये लोगों तक इसका पैगाम पहुंच जाए और बकरा ईद पे उनका मैदा और उनका पेट साफ रहे और वो तंदुरुस्त जिंदगी गुजारें। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।